जय मसीह की। आज हम देखेंगे भजन संहिता उसका 15वां अध्याय और यहाँ का शीर्षक है सियोन के निवासी। तो आइए इस छोटे से भजन को पढ़ते हैं। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। तो यहाँ पर लेखक है दाऊद का भजन है ये। वो ये एक क्वेश्चन खड़ा करता है कि हे परमेश्वर, तेरा जो तंबू है अर्थात तेरा जो घर है और तेरा जो स्वर्ग है उसमें कौन रहने पाएगा और कौन तेरे जो पवित्र पर्वत है सियोन उसके अंदर बसने पाएगा, वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है। फिर खुद ही इस सवाल का जवाब देता है कि वो लोग जो कि धर्म के काम करते हैं और खराई से चलते हैं और हृदय से सच बोलते हैं और जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करते वे लोग भी, और न अपने मित्र की बुराई करने वाले लोग भी और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनने वाले लोग भी, वह सब लोग है वो तेरे पवित्र पर्वत पर निवास करने पाएंगे। और इसके अलावा वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरों का आदर करता है, वो लोग भी तेरे जो निवास स्थान है उसमें प्रवेश करने पाएंगे। जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे उठानी पड़े, ऐसे लोग भी तेरे पवित्र पर्वत पर है वो निवास करने पाएंगे। और जो अपनी रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता, ऐसे लोग भी है वो तेरे पवित्र पर्वत पर प्रवेश करने पाएंगे। और जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी न डगमगाएगा। तो अभी हमने जो काम गिनाए हैं जो कि दाऊद ने लिखे थे, ये काम जो करता है, इन बातों का जो पालन करता है, वो आदमी कभी नहीं डगमगाता है। कौन कौन सी बातें हमने अभी बताई, वह जो खराई से चलता है और धर्म के काम करता है एक तो ये, और हृदय से सच बोलने वाला और अपने जीव से निंदा नहीं करने वाला और अपने मित्र की बुराई न करने वाला और अपने पड़ोसी की निंदा जो नहीं सुनता वो भी, और जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरों का आदर करता है, वो आदमी भी परमेश्वर के पर्वत पर रहने पाएगा। और जो शपथ खाकर नहीं बदलता है, झूठ नहीं बोलता है, एक बार शपथ खा ली तो उसके बाद उसके ऊपर कायम रहता है, वो आदमी परमेश्वर के पर्वत पर रहने पाएगा। और जो आदमी रुपया अपना ब्याज पर नहीं देता वो लोग भी, और जो निर्दोष की हानि नहीं करता वो आदमी भी परमेश्वर के मंदिर में अर्थात स्वर्ग में जाने का भागीदार है। अलावा इसके ऐसा आदमी है वो कभी नहीं डगमगाता, हमेशा परमेश्वर उसको शिथिल रखता है। आज के इस छोटे से वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे भजन संहिता उसका 16वां अध्याय और इस 16वें अध्याय में हम देखेंगे यहोवा परमेश्वर मेरा भाग। फिलहाल के लिए इतना ही। आज के इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आत्मिक शांति दे, शक्ति दे। सबको जय मसीह।